तो आज हम सरवाइव करने वाले हैं 100 डेज, वो भी माइनक्राफ्ट ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में। इसमें बहुत ही हार्ड होने वाला है क्योंकि हर दिन ब्लड मून आएगा, बस हमारी पहली रात नहीं आएगा जो कि अब हम चालू कर रहे हैं। बस इस रात को छोड़कर सारी रात ब्लड मून आने वाला है। तो फटाफट से पहले तो मैं आगे गया, थोड़ी सी मैंने वुड कलेक्ट करी क्योंकि हमारे पास बुक इन्होंने कोई दी नहीं, तो हमें वुड कलेक्ट करनी थी फटाफट से हम टूल बनाने के लिए। तो आगे जाते मुझे थोड़ा सा डेजर्ट भी मिल गया और डेजर्ट में एक डेजर्ट टेम्पल भी मिल गया। थोड़ा सा डेजर्ट नहीं, काफ़ी बड़ा डेजर्ट था। तो फटाफट से मैं केव ढूंढने लग पड़ा क्योंकि मुझे स्टोन के टूल्स बनाने थे और इनसे तो काम चलने नहीं वाला था वुडन वालों से। तो आगे जाते मुझे एक स्टोन की केव भी मिल गई छोटी सी, जहाँ से मैंने एक पिकैक्स बनाई और तोड़ने लगा सारे स्टोन। स्टोन के टूल्स बनाने के बाद मैं चला गया डेजर्ट टेम्पल में, और डेजर्ट टेम्पल में जाने के बाद काफ़ी उम्मीदें थी मुझे कि एटलीस्ट कुछ तो मिलेगा आयरन वायरन, लेकिन कुछ खास मिला नहीं, सभी ऐसे ही थे फालतू। और आगे जाते थोड़ा सा एक्सप्लोर करते करते मुझे थोड़े से शुगर केन मिल गए थे जो कि हमारे काम आ सकते थे आगे बुक्स वगैरह बनाने के लिए, तो मैंने इसको भी कलेक्ट कर लिया। थोड़ा आगे जाते हमें स्टिंग्स मिल गई, और पहले से हमारे पास वूल भी थे जो कि मैंने डेजर्ट टेम्पल से जो स्टिंग्स मिली थी वहाँ से मैंने वूल्स बना लिए थे। तो वूल तो थी हमारे पास लेकिन खाना नहीं था, तो मुझे इन्हें मारना पड़ेगा, मजबूरी है। तो आगे जाते मैंने फर्नेस लगा दी और वहाँ पे अपना खाना पकाना रख दिया, और अभी तक रात हुई नहीं थी तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी बहुत और माइनिंग कर रही जाए, खाना खा लेते हैं पहले से। खाना खाने के बाद मैंने थोड़ी सी और माइनिंग करी, साथ में एक छोटी सी केव थी जहाँ पे मैं माइनिंग करने चला गया। वहाँ पे बहुत सारा कोल था, ठीक ठाक कोल था, मिल गया था, और थोड़ा बहुत मतलब ठीक था, जितना सामान मिल गया ठीक था, छोटी सी केव थी। और फिर मैंने रात को बेड बनाया और वहीं पे लगा के सो गया, और यही पहली रात थी, यही पहली और लास्ट रात थी जहाँ पे हम सो सकते थे, और बाकी रातों में तो हम सो ही नहीं सकते। तो सुबह होते ही मैंने फटाफट से अपना क्राफ्टिंग टेबल लाइट कर लिया, और मैं अब जाने वाला था थोड़ा एक्सप्लोर करने क्योंकि मुझे एक विलेज चाहिए था, क्योंकि विलेज से आसानी हो जाती है थोड़ी सी। तो आगे जाते जाते बहुत सारी हेल्थ भी चल गई हमारी क्योंकि मुझे रास्ते में बहुत सारे ज़ॉम्बीज भी मिले, लेकिन लकीली हमें विलेज मिल चुका था जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी। तो इसे देखकर मैं काफ़ी खुश हुआ था क्योंकि मुझे विलेज चाहिए था, मैं विलेज के पास रहना ही अच्छा लगता है मुझे। तो विलेज के पास ही एक केव थी जहाँ पे मैं फिर से गया, और बहुत सारे कोल मैं जमा कर रहा था, पता नहीं क्यों इतने कोल मैं क्यों कलेक्ट कर रहा था, बस मैं करे जा रहा था जितना भी कोल मिल रहा था, क्योंकि और कोई काम तो था नहीं भाई, तो बस यही कर लेते अभी फिलहाल के लिए। तो फिर मैं ऊपर आता हूँ और मैंने थोड़ी बहुत सीड्स कलेक्ट की, और बहुत अलग अलग सीड मिल रहे थे। फिर मैंने देखा कि भाई ब्लड मून राइज हो रहा है, तो मैं तो डर गया भाई, मतलब ये क्यों, मतलब दूसरा ही दिन था जैसे आपको बताया है सारा ब्लड मून आने वाला है, और मैंने सोने की ट्राई की लेकिन सो सकते नहीं हम ब्लड मून में, पर फिर भी मैं ट्राई करना चाहता पर नहीं हो पाया। तो वापस मैं उसी केव में चला गया और मैं माइनिंग करने चला गया, नीचे बहुत बहुत डीप चला गया, और यहाँ पे मुझे थोड़े से डायमंड भी मिले थे लेकिन उसका कोई फ़ायदा तो है नहीं, थोड़े से ही थे। काफ़ी दिन यहाँ पे माइनिंग की मैंने, फिर मैं बाहर आ गया और मुझे एक माउंटेन मिला सामने, विलेज के एक ओपोजिट था, एकदम सामने था, जहाँ पे मैं कुछ बनाने की सोच रहा था, मतलब अपना घर वर बनाने की सोच रहा था कि यहाँ पे मैं ऐसा आइडिया आपको लग गया होगा कि ऐसा घर बनाना चाहता था मैं, तो हालांकि मैं ऐसा बनाता नहीं हूँ बाद में इसमें कुछ भी, पर फिर भी पता नहीं क्यों सोच रहा था। फिर एक और ब्लड मून शुरू हो जाता है और मैं बस यहाँ खड़ा था, और भाई ज़ॉम्बीज की इतनी आवाज़ आ रही थी ना, ज़ॉम्बीज मेरे चारों तरफ घूम रहे थे, चारों तरफ मेरे ज़ॉम्बीज की आवाज़ आ रही थी, और बाहर तो मैं जा ही नहीं सकता भाई, बाहर जाता तो गेम भी लैग होती और ऊपर से मैं मरता ही। तो यहाँ पर बैठ के मैंने ज़ॉम्बीज को मारा, थोड़ा सा ट्रैप बनाया, तो वो मेरे बैठे काम वाम था नहीं, कोई क्यों ना मैंने कहा ज़ॉम्बीज ही मार लेते हैं। रात को बहुत सारे ज़ॉम्बीज मारे मैंने, सुबह तो ज़ॉम्बीज तो भाई और आ गए, मुझे पता नहीं चाहते मैंने रात को अपने ज़ॉम्बीज मारे, फिर भी ज़ॉम्बीज गए भाई, इतने सारे ज़ॉम्बीज ऐसे ही बाकी थे, मैं तो मतलब क्या ही करूँगा, फिर तो मेरा खून अरे खून निकाल दिया मैंने मार मार के, मेरा एक दिन मारे बड़ी कठिन है मैंने, और सवार भी मेरी दो सवार नहीं वेस्ट हो गई, और क्या ही कर सकते हैं, तुम्हें करना आ जाना भाई, और डे बाय डे ये और स्ट्रांग होते जाएंगे। फिर मैंने अपना और काम जारी रखा क्योंकि मैं सोच रहा था, अभी तक मेरा कोई प्लान नहीं था कासल वासल बनाने का, ओ चलो स्पॉइलर दे दिया, कोई बात नहीं, चलो अभी तक मेरा कोई भी आइडिया नहीं था, पर फिर मैंने सोचा क्यों ना अभी इसको हटा ही देते हैं, और मैं बाद में हटा देता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो मेरा यही प्लान था। फिर एक और ब्लड मून आता है और मैं बस बैठा रहता हूँ यहाँ पर, चेयर बना लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बन सकती थी, तो मैंने एक चेयर बनाया और वहाँ पे बैठा रहा और सोचता रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है आगे।
फिर मेरे घर के पास जो वाली केव थी पहले गया था मैं, उसी केव में दोबारा चला गया क्योंकि और माइनिंग ही कर सकते हैं भाई, अलग अलग ओर्स मुझे लग रहा था मिलेंगे बहुत ही यहाँ पे माइनिंग की, लेकिन कुछ खास यहाँ पे मिला ही नहीं इतनी देर माइनिंग करने के बाद भी। फिर ऊपर आया और मैंने थोड़े से फार्म बना ला, छोटा सा फार्म था, इतना कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था क्योंकि हमारे पास खाना तो है ही नहीं था भाई, रोटन फ्लैश खा खा कर मेरी हालत बुरी हो चुकी थी, सड़ा हुआ मांस खा कर मैं ही सड़ गया था, तो हमें अपना कुछ चाहिए था। तो मैं फिर से चेयर पे बैठ गया और वेट करने लगा भाई। तो फिर से मैंने एक और माइनिंग करने स्टार्ट कर दी क्योंकि ये हमारे पास के हमारे घर के पीछे के मिली थी मुझे माइनिंग करते करते, तो वहाँ पे मैं डीप चला गया एकदम, जहाँ डायमंड लेवल की माइनिंग करना चाहता था जहाँ पे डायमंड मिलते हैं, लेकिन डायमंड हालांकि इतने खास कुछ मिले नहीं, पर हाँ चलो कोई बात नहीं। फिर मैं बाहर आया और फिर से मैंने थोड़े बहुत सीड्स कलेक्ट किए और यहाँ पे मैंने थोड़ा गलती से पानी डाल दिया था, तो वैसे कुछ फ़र्क पड़ा नहीं, बच गया मेरा फार्म। तो फिर मैंने सोच रहा था कि क्यों ना इसे थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाए, इसको थोड़ा सा बड़ा बना दिया जाए, क्योंकि ये भाई ग्रो होने में इतने टाइम लग रहा था ना, इतना टाइम लग रहा था, मतलब 5-6 दिन लग रहे थे इसको ग्रो होने में, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था, और 2 मिनट में देख सकते हो आप इतना ही हुआ है। फिर से ब्लड मून आ गया भाई, ब्लड मून ने तो मेरी हालत ख़राब कर रखी थी, पर मैं इसको कंप्लीट करके ही नीचे जाता हूँ दोबारा से माइनिंग करने, जो हमारे घर के पीछे मुझे केव मिली थी वहाँ पे माइनिंग करने चला जाता हूँ, और बस सोच रहा था चलो कुछ तो मिलेगा हमें, अलग अलग प्रकार के ओस मिलेंगे, लेकिन नहीं मिले। हालांकि मैं यहाँ एक बार पंजे लेता लेता बहुत मेरी हालत कम हो चुकी थी, खाना मेरे पास कुछ भी नहीं था, रोटन फ्रेश भी नहीं था, वो मैं फेंक आया था और गलती से फेंक हो गया और यहाँ पे मैं मर भी गया। और जैसे मैंने रिस्पॉन दवाया भाई, मैं तो शॉक हो गया कि मतलब वहाँ पे रिस्पॉन पॉइंट सेट होता ही नहीं है जहाँ पे हम बेड लगा कर सोते हैं, और हमें दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट से आना पड़ता है। तो खैर उसके बाद को छोड़ो, मैंने यहाँ पे फेंस बनाए, 2 काउ को इकट्ठा किया और उन्हें ब्रीड भी करा दिया क्योंकि हमें लैदर की ज़रूरत थी आगे जाकर, क्योंकि ये मोर्टा धीरे धीरे हार्ड होने वाला है। तो फिर मैंने ख्याल आया कि क्यों ना एक छोटा सा कासल बना दिया जाए, मुझे कोई आइडिया नहीं था कैसे बनाना है कैसा बनाना है, लेकिन मैं बस यहाँ पे एरिया प्लेन करने लगा कासल बनाने के लिए। फिर मेरा जब कासल तैयार हुआ, ये बहुत दिन बाद गाइस, बहुत ज़्यादा दिन लगे इसमें क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कैसा बनाना है। और फिर मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रैप बना दिए थे जिससे ज़ॉम्बीज आएँ और सीधा इसके बीच जाएँ, मतलब मेरे पास ना आ पाएँ। तो कासल कुछ मेरा तैयार होकर ऐसा लगा था रेडी होकर, और इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा दिन माइनिंग करी है, बहुत ज़्यादा दिन इसे ऊपर स्पेंड किया है, क्योंकि कभी कभार तो भाई मैं पूरा कासल बनाता था फिर तोड़ देता क्योंकि मेरे पास आइडिया नहीं था कैसा बनाना है। फिर फाइनली एक छोटा सा कासल बनाया ऐसा, और यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास एनिमल्स भी हैं और ब्रीड करवा कर देखो इतने, इससे अंदाज़ा लगा सकते हो आप कितने दिन मैं यहाँ पे रहा हूँ, कितने दिन लग चुके हैं, और मैं इतनी बार मरा भी हूँ जिसके लिए मेरे पास आर्मर बनता था वो भी टूट जाता था, जैसे मेरा आर्मर बनता था वो भी टूट जाता था। और यहाँ पे हमारे एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो यहाँ पे हमारे 50 डेज कंप्लीट हो चुके थे, कुछ हमने खास तो किया नहीं लेकिन जो भी था यही था, और इन्जॉय किया हो तो पता ही है क्या करना है। I got a bottle of Patron and some lights off. Two red devil looking eyeballs. And I finna turn up when the night falls. If you hear a siren, then it's my fault. Jump in my whip, baby, let's ride. We ain't gonna stop at a red light. And I'ma take shots like a tech nine. It's gonna get live. Here we go, it's about to go down. Let me know, I'ma buy another round. Get low, drop it down to the ground. Oh yeah, wow, shorty make it bounce. Mama see the put cuffs on my cardiac.